नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूं एक ऐतिहासिक स्थान पर, पुराना किला। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है पुराना किला। दोस्तों आज मैं आपको पूरा किला घुमाने वाला हूं और इसके इतिहास के बारे में बताने वाला हूं। क्या टाइमिंग है, किस समय आप यहाँ पर आना आपका बेस्ट रहेगा और क्या टिकट होने वाली है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भाई लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों पर वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहते हैं कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आइकन बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सामने देख रहे हो वीडियो में, ये है पुराना किला। यह किला दिल्ली के चिड़ियाघर के पास में स्थित है। यहाँ पर पहुँचने की बात करें तो यहाँ पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली के लोकल ऑटो, दिल्ली की डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हो। इस किले के नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से इस किले की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। आइए अब हम टिकट लेंगे, देखते हैं अंदर टिकट कितने की है। दोस्तों आप सामने देख रहे हो, यह है टिकट काउंटर और टिकट काउंटर के सामने पार्किंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपने निजी वाहन से भी आ सकते हो। यहाँ पर एडल्ट की जो टिकट होने वाली है वो है 20 रुपये की टिकट। अगर आप म्यूजियम में भी जाते हैं, झील में भी घूमना चाहते हैं, तो दोस्तों 30 रुपये की टिकट है एडल्ट की और बच्चों की है 20 रुपये की। यहाँ पर आप टिकट के बदले आपको एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वापसी में वो टोकन आपको वापस करना होगा। अगर आपसे वो खो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है तो आपको 200 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ेगा। टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों यह किला प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। सबसे पहले हम झील की तरफ चलेंगे। ये देखिए सामने किले के बाहर ये झील है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पर घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग और इवनिंग। आप कभी भी यहाँ पर आते हैं तो आप मॉर्निंग में आएँ या तो इवनिंग में आएँ, सुबह और शाम का समय यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पर आप अच्छी अच्छी पिक ले सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो यहाँ पर आएँगी दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम किले के अंदर चलेंगे, देखते हैं अंदर क्या क्या है देखने के लिए। आइए मेरे साथ। सामने आप देख रहे हो ये इस किले का मेन दरवाज़ा है, इसे बड़ा दरवाज़ा भी कहा जाता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पुराना किले के बारे में इतिहास भी लिखा हुआ है पूरा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर इस किले का पूरा नक्शा भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, देखिए बाहर झील थी जहाँ मैं अभी आपको ले गया था, ये दोस्तों झील है। देखिए पूरा नक्शा बना रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस किले का निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने सन 1539 ईस्वी में करवाया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। लेकिन कुछ समय बाद सन 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली को फिर से हासिल कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले की सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण मृत्यु हो गई। इस किले में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर सीढ़ियों से गिरने के कारण मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करेंगे, आपको सबसे पहले खूबसूरत सा हरा भरा गार्डन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर चारों तरफ आपको हरे भरे गार्डन नज़र आएंगे, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे गार्डन को डिज़ाइन किया गया है। ये आप सामने जो इमारत देख रहे हो ये है किला ए कुहना मस्जिद। इस पुराने किले में स्थित यह मस्जिद शेर शाह सूरी द्वारा सन 1541 में बनवाया गया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद एवं काले संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है।
मस्जिद के बाहर ये क्या बना रखा है दोस्तों, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर देख सकते हैं आप दोस्तों ये कुआं है। ये देखिए जाली लगा रखी है ऊपर ताकि कोई गिर ना जाए। यह जगह कपल्स के लिए सबसे परफेक्ट है, यहाँ पर अपने फ्रेंड अपने साथी के साथ आकर कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। आइए नीचे चलते हैं। ये देखिए ये पहले के समय के खुफिया रास्ता हुआ करते थे, आप देख सकते हो नीचे ये देखिए, लेकिन अब ये कपल्स के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हो दोस्तों ये है शेर मंडल, यह लाल बलुआ और संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे इस इमारत के बारे में लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। शेर शाह सूरी ने इस इमारत का निर्माण अपने मनोरंजन के लिए करवाया था और शेर शाह सूरी के नाम पर ही यह शेर मंडल कहलाता है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने इसका उपयोग अपने पुस्तकालय के लिए किया था और इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आप सामने देख रहे हो दोस्तों यह है हमाम, हमाम का मतलब है स्नान घर भी आप कह सकते हो, और यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ये है हमाम, स्नान घर भी आप कह सकते हो, ये पहले के समय के स्नान घर हुआ करते थे। ये देखिए ये पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष यहाँ पे देखे जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है देखने के लिए। दोस्तों सामने जो आप ये इमारत देख रहे हो इसे हुमायूं दरवाज़ा कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मुग़ल बादशाह हुमायूं के नाम पर ही इसका नाम हुमायूं दरवाज़ा रखा गया है। ये देखिए इस किले का व्यू, नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी दोस्तों रास्ता है लेकिन रास्ते बंद कर रखे हैं, वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। आइए दोस्तों अब हम म्यूज़ियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये म्यूज़ियम है, आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, मैंने परमिशन लेके एक दो वीडियो बना ली थी। म्यूज़ियम के अंदर आपको पुराने टाइम के मूर्तियाँ कुछ अवशेष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये खंडित मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, ये देखिए यहाँ पे उनके बारे में लिखा भी हुआ है। ये देखिए कुछ टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो। ये देखिए ये सब ज्वेलरी हैं दोस्तों, पत्थरों की बनी हुई ज्वेलरी। हम पुराना किला पूरी तरह घूम चुके हैं, जो जो जगह थी मैंने आपको पूरा घुमा दिया है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस जगह के बारे में दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो दोस्तों अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलूँगा एक ऐसी ही खूबसूरत जगह और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और धन्यवाद।